मैं परिणाम के बाद निकला कॉलेज के बाहर से और मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, मैं रोक नहीं पाया था। और वह आंसू खुशी के आंसू थे और आपकी मेहनत जो की, आपने मेहनत की, उस मेहनत को देख के वो जो परिणाम आया, उस परिणाम की खुशी में मेरे आंसू थे कि मेरी 84 की जनता ने क्या दम दिखाया है। और इस बार वो काम करके दिखाया है कि पहला दिल्ली में से एक मोटा मोटा नेता आनंद भी अर्धी रात्रि तीन दड़े 84 नाम होते अब जुए गाने। इतना अनुशासित कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का नहीं मिलेगा जो भारत आदिवासी पार्टी का कार्यकर्ता था हमारा। और सरकार किसी की भी बने 84 में तो 84 की जनता और यहाँ के विधायक की चलेगी। कितने भी विकट परिस्थिति आ जाए, ये सरकार मुझे कितना भी परेशान करे, लेकिन 84 का नाम हमेशा आगे रहेगा, ये निश्चित रहना आप लोग। एक वो काम करके दिखाया है, चुनाव तो हर 5 साल में आएंगे, हर 5 साल में जाते हैं, हर 5 साल में होते हैं, लेकिन इस बार वो काम करके दिखाया है कि पहला दिल्ली में से एक मोटा मोटा नेता आनंद भी अर्धी रात्रि तीन दड़े 84 नाम होते अब जुए गाने। राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, कौन विधायक मंत्री बनेगा, वो चर्चा कम है, 84 की जनता कैसी है वो चर्चा ज्यादा है पूरे देश के अंदर। और कई लोग मेरे को पूछते हैं एमएलए साहब क्या करके दिखाया, मैंने कहा मैंने मुझे कुछ नहीं पता, वो तो 84 की जनता ही जानती है उन्होंने क्या करके दिखाया। कहते हैं आपने जोरदार करके दिखाया, मैं कहता हूं मैंने कुछ नहीं किया, 84 की जनता ने करके दिखाया। 84 की जनता में दम है और 84 की जनता में दम है तो यहां से चुन के जाने वाले विधायक के अंदर भी दम होगा। 84 की जनता में दम है तो जो चुन के जो भेजा है उस विधायक में अवश्य दम होगा। और सरकार किसी की भी बने 84 में तो 84 की जनता और यहाँ के विधायक की चलेगी। चिंता मत करना, कोई भी सरकार बने, कोई भी मंत्री बने, कोई भी सीएम बने, 84 की जनता जो चाहेगी, 84 की आम जनता की जो भावना है उसके अनुरूप ही काम होंगे। आज पिछली बार 84 की जनता ने मुझे भरोसा जताया था और अपन ने 5 साल में ऐसे काम किए हैं, आधे कामों के शिलान्यास और उद्घाटन पूरे हो गए और कई काम ऐसे है कई काम सेक्शन कराने थोड़े पड़े लगे और इन्हें उद्घाटन ने शिलान्यास करेंगे ते हमारे 5 साल नकली जिंगा, ही चिंता करवानी बात नहीं काम नहीं। और बीजे काम हारते लाभ में हूं करवाई अपनी जिम्मेदारी। हमारे पूर्व विधायक जी ने बताया था कि हम विधानसभा में दो जने चुन के गए थे पिछली बार, कई जड़ा कहता पहले तो मार बाराम के था सुर सुर उबू था जो हो थवान हो इनके था, फिर कहता हम देख खुटसी नहीं अलवाने पड़े इनके तो कहता कि नहीं कहता। फिर दोनों चुन के गए शपथ ग्रहण में कही कहता ये तो धता रही जा 3-3 करोड़ में वैसा ही गया इनके था, फिर कहता 8 करोड़ में वैसा ही गया इनके था। इन लोगों के पास मुद्दा कुछ नहीं था, इनके आरोप झूठे आरोप लगाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं था। हमें मैं परिणाम के बाद निकला कॉलेज के बाहर से और मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, मैं रोक नहीं पाया था और वह आंसू खुशी के आंसू थे और आपकी मेहनत जो की, आपने मेहनत की, उस मेहनत को देख के वो जो परिणाम आया, उस परिणाम की खुशी में मेरे आंसू थे कि मेरी 84 की जनता ने क्या दम दिखाया है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कितने भी विकट परिस्थिति आ जाए, ये सरकार मुझे कितना भी परेशान करे, लेकिन 84 का नाम हमेशा आगे रहेगा, ये निश्चित रहना आप लोग। हर बुरी से बुरी पूरी परिस्थिति के लिए तैयार है अपन, विकट से विकट परिस्थिति के लिए मैं तैयार हूं, आप निश्चित रहना। कई बार किनेक बेवड़ा वो किनेक बेवड़ा वो कोने के बला भवान बेवड़ा बनते हैं। ये 84 की गाड़ी 2018 से 23 तक आगे ही बढ़ी थी, लोगों में जागरूकता भी बढ़ी, विकास कार्य भी बढ़े, समझदारी भी बढ़ी, हर प्रकार की ग्रोथ हुई, गाड़ी मोरिस बढ़ती है। और मुंह बताओ बाल से स्टार्ट था कि गाड़ी मोरिस जाएगा वहां है कार्य नहीं जवा, कई परेशानी आ सकती है लेकिन मैं हर परेशानी के लिए तैयार हूं, कई षड्यंत्र होंगे
लेकिन हर षड्यंत्र को बेदने के लिए तैयार बैठे अपन, इसलिए आप निश्चित रहना। आज क्या परिणाम आया है किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 84 की जनता ने यह एहसास कराया, ये चुनाव पैसे और दादागिरी के दम पे नहीं जीता जाता है, ये चुनाव जनता के दम पे जीता जाता है, ये एहसास कराया 84 की जनता। कई कितनी दादागिरी, मुझे खुशी इस बात की है, मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने किसी भी व्यक्ति को गाली गलौज या मारपीट या दादागिरी नहीं की, और किसी ने किया है तो उसको और भी स्वीकार करके सुन के हमारा कार्यकर्ता साइलेंट रहा, ये मुझे खुशी इस बात की। एक तरफ हमारे बहित तरसे कार्यकर्ता और एक तरफ बेशा चचुंदर नाटक करता, फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने धैर्यता रखी, ये हमें बहुत बड़ी खुशी है और यही लोकतंत्र है। और जो लोग हम पे सवाल करते थे, जो मीडिया वाले, क्या सामाजिक वह सामाजिक, ये पत्थर पत्थर, लेकिन 84 एकमात्र विधानसभा रही है कि हमारे कार्यकर्ता ने किसी व्यक्ति को तू नहीं कहा है। इतना अनुशासित कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का नहीं मिलेगा जो भारत आदिवासी पार्टी का कार्यकर्ता था हमारा। कई जगह देखा मैंने कि एक में चतुंदर था और एक बड़ा हमारे 300-400 कार्यकर्ता, पहला गाली गलौज करी, नाटक करी, फिर भी हमारे कार्यकर्ता नहीं बोला। ऐसा अनुशासन इस भारत देश के अंदर किसी भी पार्टी के अंदर नहीं मिलेगा, यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह विचारों की लड़ाई है, यह चुनाव नहीं था, यह क्या थी, क्रांति थी। क्रांति क्या था, क्रांति। इन नेताओं को समझ में आना चाहिए कि चुनाव नहीं, ये क्रांति थी। और क्रांति वही लड़ सकता है जिसके अंदर दम हो, जिसका जमीर जिंदा हो, वो क्रांति लड़ सकता है। आज कहते थे क्या भ्रम फैलाया, पहला सिकली तो कैसे सिकली वाला सप्पा मटी क्यों कहता, न्या अभी कहता हो जुत्रिम तो कैसे जुत्रिम सप्पा मटी क्यों कहता, कहता नहीं कहता। लेकिन था जो अड़ कैसे रहे जो है तो मटी क्यों उन्होंने। 84 की जनता ने और इस बार में नारी शक्ति को और हमारी जो महिला टीम ने काम किया, मैं महिला टीम को इस मंच के माध्यम से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। और जितनी हमारी जो महिलाएं हैं, पिछली बार महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज कम रहा था, इस बार महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बहुत अच्छा रहा और बढ़ गया, और इसलिए मैं महिला टीम को और सारी हमारी महिलाओं को, माता बहनों सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और सारे कार्यकर्ताओं को, और मैं सारे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को कहना चाहूंगा कि आप सबको एकजुट रहना है। हमारे विचारों की जो लड़ाई है वो यहां चुनाव तक सीमित नहीं है, हम अब विकास कार्य क्या कराना है, हमारे हक अधिकार को लेके विधानसभा में क्या बोलना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम कैसे निभाए, कैसे करें, वो हम करेंगे, लेकिन मैं आपको भी कुछ जिम्मेदारी देके जाना चाहूंगा। हम कहते हैं कि समाज को, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, सक्षम बनाना है, तो हमें हर क्षेत्र में ध्यान देना पड़ेगा। हर क्षेत्र में जो कमियां हैं, स्कूलों के अंदर कमी क्या है, भवन की है, बाउंड्री की है, खेल मैदान की है, वो हमारी जिम्मेदारी, हम कराएंगे, कोशिश पूरी करेंगे और करेंगे अधिक से अधिक। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि हमारा बच्चा स्कूल टाइम टू टाइम पढ़ने जाए, और स्कूल जाए तो नशा पत्ता नहीं करे, स्कूल जाए तो मकीना रोटो खाई जाए, पर मेरे कुरकुरे नहीं खाई, हमारी जिम्मेदारी। मैंने चुनाव के बाद बहुत बड़ा सपना था, हालांकि 2-4 सीटें हम जीतते जीतते हारे, उस बात का भी काफी दुख हुआ मुझे।